गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम आज कक्षा अष्टम जिसे सामाजिक विज्ञान प्रकरण किसी और उसमें हम मुख्य फसलें देख रहे थे। तो देखा था हमने कि बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि खाद्यान्न फसलें, जैसेदार फसलें, पेय फसलें, ठीक है ना। तो पिछले वीडियो में हम खाद्य फसलें और के रूप में चावल, गेहूँ, मक्का, इनकी चर्चा कर चुके हैं। रेशेदार फसलों के रूप में हम कपास, जूट या पटसन, इसकी चर्चा कर चुके हैं। आज हम पेय फसलों पर चर्चा करें तो हम देखेंगे कि पेय फसल के रूप में पेय फसल के रूप में मुख्यतः आपके जो है कॉफ़ी और चाय, इनको हम जानते हैं। सबसे पहले हम कॉफ़ी की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु सर्वाधिक उपयुक्त होती है कॉफ़ी के उत्पादन के लिए, और दोमट मृदा एवं पर्वतीय ढाल विशेष रूप से अनुकूलता रखते हैं कॉफ़ी के उत्पादन में, और कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व स्तर पर जो सर्वोच्च स्थान ब्राज़ील का है, ब्राज़ील कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। इसके अलावा कोलंबिया, भारत, इन क्षेत्रों में भी कॉफ़ी के उत्पादन में काफ़ी अग्रणी स्थान रखते हैं। और भारत की बात करें तो हम यहाँ देखेंगे कि जो कर्नाटक का क्षेत्र है कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी है। ये जो क्षेत्र है आपका यहाँ कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र है, पूरे भारत की कॉफ़ी का क्षेत्र, उत्पादन का क्षेत्र यही है। यहाँ उत्तम किस्म की जो है अरेबिका किस्म, उत्तम किस्म है आपकी अरेबिका किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन भारत के इस क्षेत्र में होता है, ठीक है ना। और विश्व में तो मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि ब्राज़ील कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी है, फिर कोलंबिया, भारत, इस तरह से देश आते हैं। भारत की बात करें तो आपका ये कर्नाटक का क्षेत्र विशेष रूप से कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अगली पेय फसल है आपकी चाय। तो चाय विशेष रूप से मुख्य पेय फसलों में इसका स्थान आता है। बागानों में जो है चाय की कृषि का उत्पादन किया जाता है। हम देखते हैं कि जैसे कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान हमें जो है ब्राज़ील या भारत की बात करें तो भारत में कर्नाटक क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, वैसे ही चाय के भी बड़े बड़े बागानों में या बागाती कृषि के रूप में जो है चाय का उत्पादन किया जाता है, मुख्यतः पेय फसल है। और असम में जो है असम चाय उत्पादन में भारत में अग्रणी है, और दार्जिलिंग, पुरुलिया, मंडी और आपके धर्मशाला, ठीक है ना, देहरादून, और आपके उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून, मसूरी, ये क्षेत्र जो हैं चाय के उत्पादन में भारत में अग्रणी स्थान रखते हैं। और बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, और श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता इसकी मुख्य शर्त है कि जिन क्षेत्रों में चाय का उत्पादन होता है वहाँ श्रमिकों की उपलब्धता हो सस्ती दर पर, ताकि उन बागानों में कृषि कार्य करने के लिए उनकी उपलब्धता हो सके। तो ये रही आपकी मुख्यतः कॉफ़ी और चाय पेय फसलों के रूप में। भारत में इन स्थानों की बात करें तो जैसे मैंने आपके अभी आपको बताया कि चाय के उत्पादन में असम क्षेत्र, ठीक है ना, यहाँ दार्जिलिंग, पुरुलिया, ये आपका असम क्षेत्र हो गया, ठीक, जो चाय के उत्पादन में अग्रणी है भारत में। ऐसे ही आपका ये दार्जिलिंग हो गया जहाँ की उत्तम किस्म की चाय का उत्पादन होता है, फिर पुरुलिया हो गया, ठीक है ना, चाय के उत्पादन में अग्रणी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो चाय उत्पादन में यहाँ आपके धर्मशाला, ठीक हो गया, ऐसे ही इसी क्षेत्र में मंडी, ठीक, चाय उत्पादन क्षेत्र। ऐसे ही हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ चाय उत्पादन में आपके देहरादून, मसूरी,
ठीक है ना। मंसूरी, ठीक, चाय उत्पादन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और ऐसे ही नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में भी चाय का उत्पादन किया जाता है, ये क्षेत्र भी चाय के उत्पादन के रूप में जानते हैं। चाय उत्पादन नीलगिरी, ठीक, ये मुख्यतः चाय के उत्पादक क्षेत्र हैं और विशेष रूप से बागानों में चाय की खेती, बड़े बड़े बागानों में चाय की कृषि की जाती है, ठीक है ना। उनकी पत्तियों को तोड़ करके चाय का पौधा होता है, उनकी पत्तियों को तोड़ करके उससे चाय बनती है, ठीक है ना। और विशेष रूप से आपके धर्मशाला, मंडी, देहरादून, दार्जिलिंग, पुरुलिया, असम, मंसूरी, नीलगिरी के ये क्षेत्र जो हैं चाय उत्पादन में भारत में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। विश्व स्तर की बात करें तो चाय के उत्पादन में चीन, श्रीलंका, भारत और ये देश जो हैं चाय के उत्पादन में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो हमने मुख्यतः पेय फसलों के रूप में कॉफ़ी और चाय के बारे में जाना, और कॉफ़ी के उत्पादन में मैंने आपको बताया कि ब्राज़ील, उसके बाद भारत में आपका कर्नाटक क्षेत्र, कोलंबिया और अन्य ये क्षेत्रों की चर्चा करी। चाय के उत्पादन में भारत, चीन, श्रीलंका, ठीक है ना, और विशेष रूप से भारत चाय के उत्पादन में अग्रणी है और पहले इसके निर्यात में भी अग्रणी था ये, और बड़े बड़े बागानों में कृषि कार्य जिस चाय का होता है, बागाती कृषि के अंतर्गत इसका होता है। भारत में बड़े बड़े बागान चाय के लगाने का श्रेय अंग्रेज़ों को दिया जाता है। उन्होंने अपने वाणिज्यिक लाभ के लिए विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र, असम क्षेत्र को चुना था, जहां उन्होंने कृषि ढालदार भूमि पर जो है चाय के पौधे लगाए अपने वाणिज्यिक लाभ के लिए। और बाद में फिर वहाँ जो अनुकूलता रही तो वो बड़े बड़े कृषि फार्म चाय के बागान के रूप में हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। सस्ते और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता हो जाती है, अनुकूल जलवायु है, ढालदार भूमि है, ताकि जो वर्षा होती है वर्षा जो जड़ों में चाय के पौधे के नहीं रहता और बह जाता है, क्योंकि चाय का पौधा कोमल होता है, अगर उसके जड़ों में पानी रह जाए तो पौधा सड़ जाता है, जड़ें सड़ जाती हैं तो नुकसान हो जाता है, तो ढालदार भूमि की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। पत्तियाँ चुनने के लिए जो है श्रमिकों की उपलब्धता तो भी वहाँ सुनिश्चित है, पूरे देश और उसके आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। और बात करें हम आपके दार्जिलिंग की, तो इस क्षेत्र में विश्व की सबसे उत्तम किस्म की चाय का उत्पादन होता है और विदेशी बाज़ारों में विशेष रूप से दार्जिलिंग में उत्पन्न की गई चाय की विशिष्ट मांग है, जिसकी कीमत भी हज़ारों रुपये किलो के हिसाब से होती है। और फिर चाय भारत की बात करें तो भारत में चाय के उत्पादन में अग्रणी आपका असम क्षेत्र है, और इसके अलावा अपने प्रदेश उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ आपके देहरादून और मंडी मंसूरी की हम बात कर चुके हैं। हिमाचल की बात करें तो धर्मशाला मंडी की बात कर चुके हैं। ऐसे ही आप दक्षिण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से ये पेय फसलें मैंने बार बार आपको रिपीट करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाएं, उसको आप मानचित्र जैसे मैंने आप यहाँ बनाया है आप भी उसको बना करके समझ सकते हैं, अपनी कॉपी में इसको बनाएंगे। तो हमने यहाँ कॉफ़ी का, पेय फसलों के रूप में कॉफ़ी का उत्पादन, चाय का उत्पादन, विश्व स्तर में इसे उत्पन्न करने वाले देश भारत में इनके स्थान, मानचित्र में उनकी स्थिति, इन सब की हमने यहाँ चर्चा करी। और इसको आप साफ सुंदर शब्दों में इस मानचित्र को अपने पाठ के साथ बना भी सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।